नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी और सीएए को लेकर बिहार बंद का भागलपुर में दिखा असर, कानून वापस लेने को लेकर वाम दलों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प, जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बंद के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चौक चौराहों पर पुलिस के साथ दंडाधिकारी थे तैनात। भागलपुर सीटीएस में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन, सीआईडी के एडीजे विनय कुमार ने कहा जल्द होगा कांडों का निष्पादन। और आपदा विभाग की ओर से डीआरडीए सभागार में हुई बैठक, भूकंप निरोधी मकान बनाने की तकनीक पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुरुवार को वाम दलों एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए भाजपा सरकार को तानाशाह बताया। सुबह से ही वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार से कानून वापस लेने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भागलपुर स्टेशन चौक से जुलूस निकालकर मुख्य बाजार की सभी दुकानों को बंद करा दिया। जुलूस वैरायटी चौक, खलीपाबाग चौक, कोतवाली चौक, घंटाघर चौक, तिलका मांझी चौक से होते हुए पुनः स्टेशन पहुंचकर समाप्त हुई। बिहार बंद में जन अधिकार पार्टी एवं विभिन्न संगठन के लोग मौजूद रहे। बंद के दौरान कई जगहों पर बंद समर्थकों और आम लोगों के बीच झड़प भी हुई। वहीं कई गाड़ियों के शीशे को भी बंद समर्थकों ने तोड़ दिया। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ वाम दलों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है और इसी बंद को सफल बनाने के लिए आज वाम दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता, भाकपा माले, भाकपा और माकपा के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से भागलपुर की सड़कों पर जो है मूव कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं। जनता का पूरा समर्थन है बंद को और हमारे बंद को जाप, कांग्रेस और हम जैसे पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। हम लोग जो है एनआरसी, सीएबी और एसीसीए के विरोध में निकाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी जाति सभ्यता के लोग हैं सारे लोग को हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब को चाहिए कि एक किस्म का कानून बनाए, लेकिन कई तरह के कानून बना रहे हैं। किसी को तो कहते हैं कि हम यहाँ रहने का इजाज़त देंगे, किसी को कहते हैं कागज़ पत्र नहीं रहेगा तो हम उसके लिए हॉस्टल बना रहे हैं, वहाँ उसको रखेंगे, उसको पढ़ाई का खर्चा देंगे, लेकिन उसको नागरिकता नहीं देंगे। ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में। यह देश महात्मा गांधी का देश है, जिस शांति और सत्यता पर आधारित यह देश हमारे देश में शासन चल रहा था, उस देश को ये विभाजनकारी तत्व जब से सत्ता में आई है आम आवाम का अमन चैन हराम कर दी है। जिस तरह से ये सरकार, निकम्मी सरकार नाकारा साबित हुई है, नोटबंदी के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर और ऐसे तमाम मामलों पर ये घिर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। वामपंथी पार्टियों ने संविधान की रक्षा के लिए आज बिहार बंद किया। वामपंथी पार्टी मानती है कि हिंदुस्तान का निजाम क्रूर हो गया है, आशिष्ट हो गया है और नागरिकों पर एक करके हमले कर रहे हैं, गरीबों पर हमले हो रहे हैं। एनआरसी खास करके गरीबों के खिलाफ है, जिनके पास ना तो ज़मीन है ना कोई दस्तावेज है, उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ आज बिहार बंद है। वहीं नाथनगर में एनआरसी और सीएए को लेकर बिहार बंद का मिला जुला असर देखा गया। जुलूस के पूर्व सभी दुकानदारों ने अपने दुकान को बंद कर लिया। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने नाथनगर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कानून वापस लेने की मांग की। हमारे साथी ने लाल किला से मांडी हाउस के लिए प्रोटेस्ट किया था, तो लाल किला पे हमारे जितने भी साथी पहुंचे हैं, पहले तो सुबह से इन लोगों ने मेट्रो बंद कर दिया, बस बंद कर दिया और फिर नहीं समझे तो उन्होंने 144 लगा दिया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर हम लोगों को इस तरह से ऑपरेस करेंगे तो हम लोग अपना आवाज़ कहाँ से उठाएंगे। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी जामिया स्टूडेंट्स को आज
लाल किला पे अरेस्ट किया गया है, उन लोग को रिहा किया जाए। भागलपुर के चंपानगर बिसरी मंदिर के समीप तांती टोला और मिर्गिया चक में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तनाव को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती, CTSP सुशांत कुमार सरोज, सदर SDO आशीष नारायण, CTSP राजवंश सिंह भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ चंपानगर पहुंचे और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। दरअसल जुलूस के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर गाली देने का आरोप लगाया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। मेरे कारखाना में घुस करके हमको मारा गया, ईटा से दरवाजा तोड़ करके घुसा, और बदले में जब उसको रोकने के लिए गए तो ये कांटी वाला मारा, ये कांटी पैर में भी घुसा, यहाँ कांटी पैर में भी घुस गया। और कारखाने में जो क्षति हुआ है, आप आइए और कारखाने की क्षति को देखा जाए। मेरा नाम सियाराम प्रसाद शाह है। पहले दुकान में जो है बोल रहा था दुकान बंद करने के लिए, ठीक है, तो दुकान बोले हम तो आए बंद करेंगे, वो बोला कि कैब का विरोध कर रहे, बोले हम विरोध नहीं करेंगे। बस इतने में जो है मारपीट करने लगा हम लोग से, उसके बाद हम गए उधर अपना घर, इधर से उधर, उसके बाद छत पे गए तो मेरा ईटा चोरी करने लगा, ईटा चोरी करने लगा, बहुत आदमी था, वही ईटा जो है वही ईटा चोरी करके हम ही को उधर पत्थर दल चलाने लगा, पापा लोग भैया लोग सब थे तो सबको भेजे हम, उसके बाद हमको जो है एक माथा में लग गया बड़ा ऐसा ईटा, मसा फट गया मेरा। आज कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तांती बाजार नाथनगर में पत्थरबाजी की गई थी, इसके संबंध में कार्रवाई की गई है, स्टेटमेंट लिया गया है लोगों का और अभी उन लोगों की इंजरी करवाई जा रही है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। जुलूस निकला था दिन में जो वापस हो रही थी, विवाद करीब 3-3:30 बजे के आसपास हुआ है, तो जुलूस वापस हो रही थी जिस दौरान ये विवाद हुआ है। 3 लोग इंजर्ड हैं और तीनों का इंजरी रिपोर्ट करवाया जा रहा है, आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और विषहरी स्थान पर जो घटना हुआ था जुलूस को लेकर, तुरंत प्रशासन एवं तमाम हमारे पूजा समिति के दोनों समुदाय के लोग तुरंत उसको मामला को शांत किया गया। भागलपुर नाथनगर शांति सद्भाव को और पूरे बिहार की नज़र है, यहाँ अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे लेकिन यहाँ तुरंत हम सब पहुँच के मामला को शांत किए, प्रशासन के लोग भी तुरंत पहुँच के, भागलपुर शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है। NRC और CAA को लेकर वामदलों के द्वारा भागलपुर बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी चौक चौराहे एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। वहीं पुलिस अधिकारी भी बंद समर्थकों पर नजर बनाए हुए थे। SSP ने कहा कि बंद को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही SSP ने बंद के दौरान तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर कठोर कार्यवाही करने की बात कही। पहले से काफ़ी तैयारी किए हुए थे और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आज का बंद रहा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई समस्या नहीं आई, कहीं कोई हिंसक भीड़ नहीं। भागलपुर नाथनगर CTS मैदान में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विज्ञान प्रशाखा का उद्घाटन CID ADJ विनय कुमार, DIG विकास वैभव, SSP आशीष भारती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। CID ADJ विनय कुमार ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विनय कुमार ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में भागलपुर में DNA साइबर फॉरेंसिक लैब की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वर्तमान में 15 वैज्ञानिकों की एक टीम कार्यरत है और वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि काम समय पर हो सके और कांडों का निष्पादन भी समय पर हो सके। भागलपुर DRDA सभागार में गुरुवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य तौर पर जिले के राजमिस्त्रियों को भूकंप निरोधी मकान बनाने की ट्रेनिंग देने पर चर्चा की गई। वहीं जिला शाखा प्रभारी विकास कुमार ने बताया कि 4 जनवरी से 10 जून के बीच प्रखंड स्तर पर राजमिस्त्री को भूकंप निरोधी मकान बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बैठक में पटना के बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीनियर अधिकारी AK मिश्र, भारती जी, अपर समाहर्ता राजेश झाराजा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। स्तर पर ट्रेनिंग होनी है राजमिस्त्रियों की, तो वो ट्रेनिंग कैसे करवाना है, कब से करवाना है, क्या अरेंजमेंट करना है, उससे संबंधित आज बैठक रखी गई थी और पटना से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है कि कैसे ये प्रशिक्षण करवाना है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे।
और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटे अपनों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मॉफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर स्टेशन से बच्चा चोरी करती पकड़ी गई। दो महिला की निशानदेही पर बुधवार सुबह तकरीबन 4 बजे जीआरपी और अहियापुर थाने की पुलिस ने मुजफ्फरपुर से भिकनपुरा स्थित मां भगवती नर्सिंग होम के संचालक विजय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी डॉक्टर सह संचालक विजय चौधरी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने बीते 3 दिसंबर को लखीसराय निवासी सुमित कुमार के पुत्र प्रिंस कुमार को भागलपुर जंक्शन से चुरा कर 1,20,000 रुपया में मोतिहारी में बेचा था। जमालपुर रेल SP आमिर जावेद ने कहा कि मुजफ्फरपुर की लोकल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मानव तस्करी का यह एक बेहद गंभीर मामला है जिसका स्पीडी ट्रायल कराकर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। वहीं जीआरपी के दरोगा योगेंद्र उपाध्याय एवं आरपीएफ के ASI बसंत प्रसाद के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम मुजफ्फरपुर में लगातार मानव तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। सर्द पछुआ हवा के कारण भागलपुर सहित आसपास के इलाके में ठंड काफी बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या भी बिगड़ने लगी है। ठंड के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं, साथ ही धूप निकलने के बाद ही वह अपनी दैनिक कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं। भीषण ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 20 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। DM ने कहा कि बच्चों की सेहत को देखते हुए फिलहाल सभी स्कूलों को बंद किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भागलपुर बड़ी खंजरपुर के मदरसा इस्लामिया रहीमिया मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बैठक की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नागरिकता संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह कानून देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। सरकार को यह कानून वापस लेना चाहिए। अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो 23 दिसंबर को शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर होते हुए सहजंगी मैदान पहुंचेगी और वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में मोहम्मद अब्दुल हाफिज, हाफिज रहमतुल्ला, मोहम्मद जफर मुस्तफ़ा, शहबाज खान एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। आज की ये मीटिंग जो 23 तारीख को सहजंगी करबला के मैदान में जुलूस की शक्ल में होगा, उसको कामयाब बनाने के लिए आज हमारे मोहल्ला खंजरपुर दिगर मोहल्लों से लोग आकर के हमारी हमायत में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हुए। और हमारा मकसद इस मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए है। और जो कानून हमारा बन चुका है संविधान में उसी को रहने दिया जाए। ऐसा कोई नया कानून नाफिज किसी पब्लिक पर भी, किसी नागरिक पर भी नहीं लागू होना चाहिए जो यहाँ के रहने वालों को तकलीफ हो। भारत सरकार के द्वारा एक नागरिकता संशोधन बिल पास किया गया है जिसके विरोध में
हम खंजरपुर वासी पूरे भागलपुर वासी के द्वारा एक रैली, शांति रैली निकाला जा रहा है जो संविधान के खिलाफ है। उसको हम लोगों ने मिलकर जुलूस निकाल कर शांतिपूर्वक इस पर मीटिंग करेंगे। आज मीटिंग इसलिए रखा गया था कि हम लोग ये चाहते हैं कि अमन अमान और सुकून के साथ जो कानून को निकाला है अमित शाह और मोदी ने, तो इसको हटाया जाए और हम लोग जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके आपस में भाई भाई हैं और हम अमन शांति का पैगाम देते हैं कि हम लोग सब मिल करके इस कानून को हटाया जाए और जैसे पहले था और सही रहना चाहिए। बांका के अंबरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में कलयुगी पुत्र ने अपने नेत्रहीन पिता को पीटकर घायल कर दिया। जख्मी मंटू हरिजन का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर मंटू हरिजन ने बताया कि पुत्र सरवन हरिजन के बच्चे पड़ोस के बच्चों के साथ झगड़ा कर रहे थे। जिसको मैंने समझाते हुए शांत करा दिया। उसके बाद पुत्र सरवन दास, बहू शोभा देवी एवं उसकी माँ उर्मिला देवी ने गाली गलौज करते हुए पिटाई करने लगे। मामले को लेकर थाना में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। माल के बच्चा झगड़ा कर लेते मारे घर में बराबर माथा ही जीव तो बच्चा कर वहाँ धो डांट कर लिए। यही हमारे कि वो आदमी के पास हमारा और दंगा रहे देखिए। बांका में अवैध रूप से बालू उठाव को लेकर संवेदक और बालू माफियाओं के बीच झड़प हो गई। घटना में धर्मकांटा पर तैनात दोनों कर्मी घायल हो गया। घटना बांका थाना क्षेत्र के शंकरपुर स्थित धर्मकांटा पर गुरुवार की अहले सुबह हुई। बताया जा रहा है कि धर्मकांटा के पास अवैध बालू लदे ट्रकों को रोका गया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कुछ लोग मिजलेशपुर के हैं जो एक साल पूर्व में लूट और बमबारी गोलीबारी करी थी, जिसका भी केस यह बांका थाने में चल रहा है। वही लोग फिर से बालू की अवैध गाड़ियां लेके निकल रहे थे, तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उन्होंने बम चलाए थे कांटे। कितने बम चले? चार बम चलाए। उसमें कुछ घायल भी हैं क्या? हाँ, दो लड़कों की चोट आई है। नौगछिया के गोपाल गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के चौथे दिन बालक स्वामी केशवाचार्य जी महाराज ने प्रह्लाद प्रसंग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, भक्ति अगर पूरी निष्ठा से की जाए तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता से दयालु संसार में कोई नहीं है। संतान अपने माता पिता को कष्ट दे फिर भी माता पिता उसे माफ कर देते हैं। इस दौरान कथा का श्रवण करने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनआरसी और सीएए को लेकर बिहार बंद का भागलपुर में दिखा असर। कानून वापस लेने को लेकर वाम दलों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प, जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बंद के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, चौक चौराहों पर पुलिस के साथ दंडाधिकारी थे तैनात। भागलपुर सीटीएस में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का हुआ उद्घाटन। सीआईडी के एडीजे विनय कुमार ने कहा जल्द होगा कांडों का निष्पादन। और आपदा विभाग की ओर से डीआरडीए सभागार में हुई बैठक, भूकंप निरोधी मकान बनाने की तकनीक पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।